हम डिफरेंशिएट करेंगे दो टाइप के स्वीटनर में. पहला स्टीविया बेस्ड स्वीटनर विच हैज स्टीविया एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट एंड दूसरा अ स्वीटनर जो बना है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीविया एरिसिटोल एंड मॉन्क फ्रूट. सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की. स्टार्टिंग विद स्टीविया, स्टीविया डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल है. इन सारी वेराइटीज में सिर्फ ओनली स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड जो स्टीविया का प्लांट एक्सट्रैक्ट है इज सेफ फॉर कंजम्पशन. होल लीफ वेराइटीज या फिर रॉ स्टीविया एक्सट्रैक्ट आर करंटली नॉट अप्रूव्ड बाय द एफडीए. ऑन द अदर हैंड जीरो शुगर को भी कंज्यूम कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रेटोल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट. ऑफ कोर्स स्टीविया एंड जीरो शुगर दोनों ही स्वीट टेस्ट करते हैं बट स्टीविया हैज अ बिटर आफ्टर टेस्ट. स्टीविया के केमिकल कंपाउंड्स दोनों स्वीट एंड बिटर टेस्ट रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं. Now let's talk about zero sugar. Zero sugar has no aftertaste. Zero sugar बना है three naturally occurring sweeteners से, stevia, monk fruit and erythritol. ये तीनों ingredients are balanced to give you the sweetness of sugar without any aftertaste or smell. Now add the substances. Stevia sugar के comparison में 200 to 350 times sweet होता है. So a very small amount of stevia is needed to match the sweetness of sugar. Due to this, market में ज्यादातर stevia based sweetener mixed होते हैं bulking agents से to match the serving size of their product with table sugar. So, अगर आपको एक stevia based sweetener opt करना है, make sure कि आप stevia की जगह bulking agents और preservatives ना ले रहे हो. On the other hand, zero sugar is free of any preservatives, bulking agents or stabilizers. Many have made the switch. आप किसका इंतजार कर रहे हैं?